कंपटीशन, और दूसरा है कि टाइम पीरियड, टाइम की बात करते हैं तो टाइम की बात तो अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा अपन लिख के भेजेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि सब जो भी मालिक बुलाते हैं अपन को उसको पता नहीं चलेगा। तो अभी टाइम पे बैंड नहीं बजता है तो ये पैसा काट लेते हैं, ये है ना, सभी को पता है शायद ये, क्योंकि हमारे साथ में पिंटू भाई और कल हमारे सामने सामने बैंड था दोनों का। तो ये वो बंदा बोल रहा है कि हम दोनों के पास से कितना 25-25 हज़ार काट लेंगे। उसको बोला भैया अभी आपका आपके पास रोड ही नहीं है, हमने 10 बजे बैंड पहुँचा दिया है, 10 बजे का टाइम लिखा था, वहाँ पे रोड बना नहीं था, 1 घंटा उसको रोड बनाने में लग गया, तो हम उसमें हमारी क्या गलती है। फिर उन्होंने फिर कंपटीशन की बात कर दी, कंपटीशन ने कि आपको पैसा काट लेंगे। उसको बोला तू पैसे मत दे लेकिन कल की नाइट तेरे नंदुरबार जेल में भेजूंगा, आपको फिक्र मत करो, निकलना पड़ेगा। उसको 10 मिनट भी नहीं हुआ पैसा देना पड़ा था, क्योंकि हमारे सिस्टम से बोला था, उसके साथ में मैंने समझा दिया था, और हमने कंपटीशन दोनों ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया, वो बिंदु भाई भी साथ में थे, उन्होंने बताया भी था कि सामने सामने बैंड भी नहीं थे, वो बलजबरी से लेके गए, हमने बैंड बजाने ही बंद कर दिया, अगर पैसा नहीं देना है तो मत दो लेकिन हम कंपटीशन करेंगे नहीं, हम उसके लिए आपके पास में नहीं आए हैं, तो ऐसा हमने बजाया नहीं सामने से। तो दोनों बैंड वाले भी समझो आप, दोनों बैंड के ओनर या मैनेजर कोई भी, हम तो साथ में रहते नहीं हैं, यहाँ पे समझना सिर्फ मैनेजर और हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको, दोनों को समझना पड़ेगा। ये लोग अपन को सिर्फ कंपटीशन मतलब शादी का मतलब दो व्यक्ति का रिश्ता जोड़ने के लिए बुलाते हैं, ताकि वो झगड़ा कराने के या किसी का है ना खून खराब कराने के लिए नहीं बुलाते हैं, उस पर लिखा नहीं है या हमारे बिल में लिखा नहीं है, तो आप किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ में कंपटीशन मत करो, हमारा बिजनेस है, बिजनेस चलाना है। अभी आज से हम नए शुरुआत के तरह आप अग्रेसिव हो तो आगे कुछ अच्छा होगा अपने लिए, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा अभी दिल्ली का दौरा है आज ही, तो 5 बजे का मेरा फ्लाइट है सूरत से, तो अभी जस्ट मैं निकल रहा हूँ। और अपना सुजल भाई अपना जो ये उसका संगठन का नाम और प्रेसिडेंट का नाम सुजल भाई अनाउंस कर देंगे, और किसी को कुछ बोलना है तो यहाँ आके बोलना, क्योंकि फिर बाद में आप चार पांच दोस्त लोगों का टीम बनता है और हमको फोन करते हैं, वो मत करो, यहाँ सब लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो भी बोलना है उसकी बात रोको, तो क्या हम वहाँ पे उसकी बात पे भी हम विचार करें, तो आप सभी सुना मत, वहाँ पे है ना बाहर जाके वकालत करने से पहले यहाँ आके बात करो, हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। और किसको प्रेसिडेंट बनाना है, वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, क्या नाम रखना है, नाम तो मैंने बोल दिया है, बैंड अखिल भारतीय बैंड एसोसिएशन, ताकि हमारे बैंड ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ हमको परमिशन मिलता है गवर्नमेंट से वहाँ अपन जा सकते हैं, सिर्फ अपन गुजरात के पुरते लिखेंगे तो मतलब नहीं आएगा, अखिल भारतीय बैंड एसोसिएशन वो नाम रहेगा, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम वो सुजल भाई आप तय कर लेना और मुझे बताना, ठीक है, ओके। और मैं अभी निकलता हूँ, और सबको थैंक यू, इतने सारे लोग आए इतने दूर से हमारे एक ही बात पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और ऐसे ही साथ देते रहो, उससे भी डबल लोग आए बाद में, हम शिवरात पे मीटिंग रखेंगे सीजन के बाद में, तो तब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो, और ये 8-10 दिन में हम उसके पीछे ही पड़ेंगे, अगर आपका साथ रहेगा तो दिल्ली से काम करके लाएंगे, इतनी भी ताकत है, आप टेंशन मत लो, सिर्फ आपका साथ जरूरी है, एकता जरूरी है, एकता नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है, ओके।